हेलो एवरीबॉडी, आप सभी के लिए खुशखबरी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंटरव्यू के लिए डेट निर्धारित कर दी है। किस पोस्ट के लिए नोटिस आया है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? एक बहुत दिनों से इंतजार हो था, उसके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिस डाल दिया है इंटरव्यू के लिए, तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो जो एडवर्टाइजमेंट थी वो थी 7/2015, कैटेगरी नंबर 9, इंस्पेक्टर पोस्ट का नाम है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। इसका इंटरव्यू होने वाला है 22/2017 को, यानी कि जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू है उनका रोल नंबर लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर आया है तो आपको भी इंटरव्यू देने जाना है 22/2017 को, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइज 7/2016, कैटेगरी नंबर 48, ये थी पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी इन म्युनिसिपल कमेटी। इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है रिटन एग्जाम का और उसकी इंटरव्यू के लिए नोटिस डाल दिया गया है। इसका इंटरव्यू 22/2017 को है पंचकूला, तो लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 7/2016, कैटेगरी नंबर 49, पोस्ट का नाम था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो इसमें भी जो इंटरव्यू डेट इन्होंने बताई है 22/2017 पंचकूला आपका इंटरव्यू होगा। और इसके एडमिट कार्ड, जो इंटरव्यू के लिए दोबारा एडमिट कार्ड आपके साइट पर आएंगे और वे आएंगे 19/2017 से, आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि ईबीपीजी का सर्टिफिकेट चलता है या नहीं चलता, तो इस जो लिस्ट अभी इन्होंने दी है इसमें ईबीपीजी के लिए भी अलग से जो रखा है पूरा सिस्टम, वो यानी कि ईबीपीजी से जिन्होंने फार्म भरा हुआ था उनका रोल नंबर भी इसमें दिखाया हुआ है। बस ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।